हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। तो सुना आपने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। दरअसल दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, हमारा सनातन धर्म है। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा भी बताई। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सतना के बजरंग दल सदस्य बलराम सिंह ISI के लिए पाकिस्तान से पैसा लेते हुए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। शिवराज जी ने उन पर NSA क्यों नहीं लगाया? और क्यों आप भूल जाते हो, आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के ISI के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना भोपाल का IT का अध्यक्ष, भोपाल का ISI के लिए जासूसी कर रहे थे, और अभी एक पकड़े गए DRDO के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया, उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप, आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर, कि आपकी मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो भी मुझे देशद्रोही कह रहे हैं, अगर उनके पास मेरे खिलाफ सबूत है तो जाए मेरे खिलाफ FIR करवा दे। साथ ही बजरंग दल के प्रतिबंध लगाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी देश में नफरत फैलाता है तो उन पर रोक लगानी चाहिए। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।